आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस, तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। थकते कभी न हारना, चलना मुसाफिर तू, क्योंकि ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव सौर एकेडमी से, और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम समझें कि डाइजेशन क्या होता है। भोजन के बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े में टूटना ही पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े टुकड़े का जल और एंजाइम के माध्यम से छोटे टुकड़े में टूटना ही पाचन कहलाता है। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पीसेस इनटू स्मॉल फूड पीसेस विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है, फाइव स्टेज, पांच चरण में पूरी होती है, जिसमें से पहली है इंजेशन, मतलब अंदर ग्रहण, सबसे पहले भोजन लेते हैं। सेकंड नंबर पे डाइजेशन, मतलब पाचन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। अवशोषण छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भोजन में मौजूद पोषक तत्व को ब्लड में पहुंचाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर चौथे नंबर पे है एसिमिलेशन, मतलब सौम्यीकरण। अब जो भोजन रक्त में मौजूद पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करना, एनर्जी में चेंज करना, एसिमिलेशन सौम्यीकरण कहलाता है। पांचवा है डिपोर्सेशन, मतलब मल त्याग, जो कि गुदादार भी अपन करते हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, फाइव स्टेप्स में पूरी होती है। अंतर ग्रहण, इंजेशन, डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एसिमिलेशन, सौम्यीकरण, डिपोर्सेशन, मतलब मल त्याग। अब देखिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, देखिए किसको क्या बोलते हैं। ये है एसोफेगस, ग्रास नली बोलते हैं इसको। ये कहलाता है लैरिंक्स, श्वास नली। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, यहां से यहां यहां तक, ये पूरा कहलाता है लीवर, मतलब यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। उसके बाद है ये गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। फिर उसके बाद नीचे ये पड़ता है ड्यूडेनम, मतलब पकवाशय होते हैं इसको, पकवाशय, ये पकवाशय है। उसके नीचे ये पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, बड़ी आंत। ये जो अंदर बनी, ये है छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहां पास एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में यहां पास जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं स्टोमक, मतलब अमाशय। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट है, किसको क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, भोजन को चबाते हैं, तो जब भोजन को चबाते हैं, लार होती है भोजन में, तो उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन नामक एंजाइम। तो जब भोजन को चबाते हैं, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, तो जब हम भोजन को चबाते हैं, तो टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मतलब भोजन का जो डाइजेशन है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद भोजन आता है ग्रास नली से नीचे। भोजन ज्यादा देर तक ग्रास नली में नहीं रहता, क्यों,
क्योंकि अगर ज्यादा देर तक ये यहाँ पे रहा तो हमको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिससे हमारा दम रुक सकता है, जिससे हमारी मौत हो सकती है। तो भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता, भोजन उसके बाद नीचे आता है, श्वास नली में नहीं आता, कभी भोजन। उसके बाद भोजन आता है कहाँ? आमाशय में, जहां पे भोजन 4 घंटे तक रहता है। भोजन ग्रास नली से कहां है? सबसे पहले आमाशय, जहां पे 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में ही एक सेल पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेल। ऑब्जेक्टिव सेल से जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस होता क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये जो भोजन आमाशय में आया है, ऑब्जेक्टिव सेल पाया जाता है स्टोमक में, जहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस एचसीएल होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भोजन के पेस्ट में मिला तो भोजन का जो नेचर है पूरी तरीके से एसिडिक अम्लीय हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस भोजन के पेस्ट में नहीं मिलेगा तो भोजन सड़ना शुरू हो जाएगा। तो भोजन के साथ जो भी गंदगी बैक्टीरिया आई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्या करती है? खत्म करती है। देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मिला तो भोजन का जो नेचर है यहां क्या हो गया? एसिडिक हो गया। अब यही पास दो एंजाइम पाए जाते हैं, नाम है पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन जिसको बोलते हैं कैसिनोजिन। दूध में घुली प्रोटीन को कैसिनोजिन बोलते हैं, जिसको रेनिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये भोजन आता है, नीचे आता है। ये देखिए क्या है, बड़ा सा जो एरिया आपको दिख रहा है ये है लीवर। लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस को बाइल डक्ट भी बोलते हैं। तो लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है जो कि इकट्ठा होता है पित्ताशय में, मतलब गैल ब्लैडर में। अब पित्ताशय यहां भोजन में मिल गया, उसके बाद भोजन प्रवेश करता है कहां पे? पक्वाशय में। तो भोजन जब पक्वाशय में प्रवेश करता है तो भोजन का नेचर जो अभी तक अम्ली था, पक्वाशय में प्रवेश करने के बाद क्षारी हो गया। क्षारी मतलब बेसिक हो गया। यहां पे कुछ प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, कहां? पक्वाशय मतलब ड्यूडेनम में। कौन कौन से हैं? देखिए, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज स्टार्च मतलब हिंदी बोलते हैं माल्ट को डाइजेस्ट करके सुगर में तोड़ता है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में तोड़ता है। देखिए, पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च को पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है। एक भी क्या रखेगा, लाई खाने से फैट नहीं बढ़ती, लाई खाने से फैट नहीं बढ़ती, मतलब लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, मतलब माल्ट का डाइजेशन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। देखिए, पक्वाशय के बाद जब भोजन क्षारी हो गया उसके बाद प्रवेश करता है अग्नाशय में। अग्नाशय में 3 सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा सेल। अग्नाशय जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा सेल, जिसकी खोज लैंगर हैंस ने की थी। यही पास एक जगह है, बोलते हैं लैंगर हैंस की दीपिका, लैंगर हैंस की दीपिका मतलब इसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। यहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल के लैंगर हैंस की दीपिका से निकलता है। ये इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है?
हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो शरीर में जो ब्लड है इसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। फिर देखिए अग्नाशय का भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, इसके माध्यम से विलायी के माध्यम से भोजन का एब्जॉर्प्शन अवशोषण छोटी आंत में विलायी के माध्यम से होता है। अवशोषण और कुछ नहीं है, एक विलायी पाइप ट्यूब आ जाती है जो कि क्या करती है, भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट पोषक तत्व को ब्लड में पहुंचा देती है, यही क्या कहलाता है, भोजन का अवशोषण। तो सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन छोटी आंत में होता है, यहीं पे भोजन का एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है। उसके बाद ये भोजन आगे कहां प्रवेश किया, बड़ी आंत में। अब आपको ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है, बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, यहां केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन केवल बड़ी आंत में होता है। और जो वेस्ट बच गया है, यहां पे जो एंजाइम पाए जाते हैं इस वेस्ट को मल में बदल देते हैं, और आगे ये मल कहां इकट्ठा होता है, मलाशय में। मलाशय मतलब रेक्टम, रेक्टम में मलाशय इकट्ठा होता है कि लास्ट में एनस मतलब गुदा द्वार से मल को बाहर निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले भोजन को हम अंदर लिए चबाए, जहां पे टॉलिन नामक एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही करता है। उसके बाद भोजन ग्रास नली से कहां आया, अमाशय में आया। अमाशय में ऑथेंटिक सेल में जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि भोजन का नेचर पूरी तरीके से एसिडिक कर देता है। तो जो भी भोजन में बैक्टीरिया जर्म्स आ गए हैं उनको ये जठर रस क्या करता है, समाप्त करता है। उसके बाद भोजन जब आगे बढ़ता है, इसमें दो प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसोलेजिन का पाचन रेनिन करता है। उसके बाद भोजन आगे आता है, लीवर में मतलब यकृत में पित्त का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। उसके बाद भोजन प्रवेश करता है कहां पे, पक्वाशय में। पक्वाशय में प्रवेश करने के बाद भोजन का जो नेचर है पूरी तरीके से बेसिक क्षारी हो जाता है। यहाँ पे तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। उसके बाद भोजन प्रवेश करता है पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में तीन सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। बीटा सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी खोज लैंगरहंस ने की थी। लैंगरहंस की दीपिका जो कि बीटा सेल में पाई जाती है, यहीं से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड में मौजूद शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर कभी भी इंसुलिन की मात्रा कमी होती है तो शरीर के ब्लड में जो शुगर का लेवल है बढ़ जाता है, और डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। उसका भोजन फिर पैंक्रियास से छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां पे भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, किसके माध्यम से, विलायी के माध्यम से। एब्जॉर्प्शन मतलब फूड का जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स, उसको ब्लड में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। किसके माध्यम से पहुंचाता है, विलायी के माध्यम से। उसके बाद जो भोजन कहां प्रवेश करता है, बड़ी आंत में, जहां पे भोजन का पाचन नहीं होता, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण होता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो यहां पे मल में चेंज हो जाता है, जो कि मलाशय में इकट्ठा होता है, और लास्ट में एनस गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो पूरी लेंथ है,